मैं अभी जिस घर में के सामने मौजूद हूँ, हमारे पीछे वो पूरा शो का कुल परिवार है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि कल जो नाव पलटा था, उस नाव के पलटने का क्या कारण हो सकता है। कल तूफान भी आया था, हालांकि सब लोग तूफान को दोष दे रहा है। ये तूफान बिहार में पहली बार नहीं आया था साहब, इससे पहले हजारों बार तूफान आए थे और तूफान तो हर रोज आते हैं। तूफान को दोष देना छोड़ दीजिए, अपने जिम्मेवारी को आप मत भूलिए कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ। यहाँ के नेता, सांसद और विधायक इसके जिम्मेवार हो सकते हैं, ना कि यहाँ के तूफान भी ये जिम्मेवार है। अगर गलती होती है तो आप प्रकृति को जिम्मेवार ठहराते हैं, यानी कि बाढ़ आ गया तो सरकार की गलती है, अगर नाव पलट जाता है तो कहीं ना कहीं तूफान की वजह से तो भगवान की गलती हो जाती है, लेकिन असल गलती का जिम्मेवार कौन है, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। सोनाली की मम्मी है और ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा जो है अभी मुख अग्नि इन्होंने दिया है, और अब से पूरा गांव जो है सो का कुल है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कल घटना हुआ उसके बाद क्या कुछ हालात है इस गांव के अंदर में। इस गांव के अंदर में ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में चूल्हा जला हो, कोई ऐसा एक घर बता दीजिए जिस घर के लोग एक टाइम का खाना खाया हो, सभी लोग गम में डूबा हुआ है और इसका जिम्मेवार कौन है ये इसी से जानेंगे। आप ही के बेटी थे सोनाली? हाँ, मेरी बेटी। अच्छा, कैसे सोनाली डूब गई पानी में? नाव में डूब गई। क्या करने के लिए गई थी? सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाने के लिए। तो मतलब क्या हुआ था बताइए आपको? नाव पर जाते रहे, नाव पलटी के रोड नहीं चलता, नाव पर निकल। अच्छा, तो आपकी बेटी जब गई थी यहाँ से बाजार, कल हाट भी था, तो आपको बताया था कि हम हाट पर जा रहे हैं? चल गए, कल मम्मी के हम जा चुके हैं, बच्ची नहीं होते हैं, सब चाची चल गए। अच्छा, सब चाची वाची सब गई? हाँ, चाची। अच्छा, जब हम नाव पास में कोई व्यवस्था से तब सर जाए व्यवस्था बच्चा है जो अग्नि दिया है अपने दादी को दिया है ना? हाँ। दादी को अग्नि दिया है और उनकी दादी थोड़ा मतलब उम्र उनका ज्यादा था, 50-55 या 60 साल की थी उनके दिए। और देखिए इधर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए वहाँ एक दादाजी बैठे हैं, थोड़ा बूढ़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप किनको अग्नि दिए हैं? अपना पूछी का अपने नाइट का बच्चा बताइए मरा क्या कहेंगे, क्या कुछ कैसे हुआ बताइए? नाव पर गया सब्जी उब्जी लाने के लिए, नाव हवा उठा वो पलट गया, 5 आदमी डूब गया, 8 आदमी बच गया, 13 आदमी था नाव पे। कल से अब तक कौन कौन आया आपके गाँव? कोई नहीं आया है, विधायक और कोई नहीं आया है, सांसद जी आए कोई नहीं आया। जानकारी तो बिहार के मुख्यमंत्री को पता चला, पूरा पता चला होगा। पप्पू यादव यहाँ किसको मांग करते? पप्पू यादव हम लोग को मांग करना चाहते इस गांव की स्थिति देखिए। जब मैं किसी गांव पहुंचता हूँ तो वहाँ के लोग एक ही नाम एक ही आवाज लेता है और वो नेता पप्पू यादव। क्यों नहीं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, ना तो मेरा रिश्तेदार है ना इनका रिश्तेदार है, लेकिन गरीबों का मसीहा है। शायद यही कारण है कि इस गांव के लोग भी चाहते हैं कि पप्पू यादव यहाँ आए, लेकिन पप्पू यादव क्या लुंगी उठा के यहाँ पहुंचेंगे? जब रास्ता ही नहीं तो कैसे आएंगे पप्पू यादव जी? कैसे साहब यहाँ आने का रास्ता ही तो नहीं है, रास्ता नहीं है। रास्ता के लिए आप लोगों ने कभी आवाज उठाया कि नहीं? बहुत आवाज उठाए, कोई नहीं सुनता सर, हम लोग बहुत उठाए, कोई नहीं सुनता है। इतनी रात से कोई खाना नहीं खाया है, गांव चूल्हा नहीं जला है, सब परेशान है, तो 5 लाख ले क्या करेगा, 4 लाख लेगा सर? सर उस 4 लाख रुपया लेने से हम 10 लाख रुपया जिसको लड़का बच्चा नहीं होता है पृथ्वी पर, 10 लाख रुपया में खरीदता उसका नहीं मिलता है। हमारा 4 लाख रुपया देने से हमारा क्या मिलेगा? हमारा लड़की चाहिए, हमारा लड़की गुजर गया, हम उस मौसम में हमारा लड़की दे दीजिए, 4 लाख रुपया मत दीजिए। कोई भी नेता इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, किस मुंह से आ पाएंगे यहाँ? यहाँ के विधायक और सांसद किस मुंह से आएंगे, किस पैर से आएंगे चल करके, क्योंकि आपने रोड ही नहीं बनाया। या तो आप हेलीकॉप्टर से आ जाइए या फिर पानी में तैर के आ जाइए। और देखिए ज्यादा बोलेंगे तो बुरा आपको लग जाएगा, मुझे पता है, और मेरी बात का शायद बुरा लग गया होगा। जब इस गांव में 5 लोगों की मौत की खबर आई थी तो इस गांव के एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर के लोग डरे और सहमे नहीं थे कि कहीं मेरे घर का बच्चा तो नहीं डूब गया, कहीं घेरे मेरे घर का महिला तो नहीं डूब गया। और पूरे गाँव के लोग अभी तक चूल्हा नहीं जलाए। ये तस्वीर थोड़ा दिखा दिए, देखिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना सब भूखे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे से ही पूछिए, बाबू नाव बच्चे ना नाव पर आज खाना उन्हें खाए हो? नहीं, नहीं खाया। खाना खाए हो आज? नहीं, आज खाना खाए थे दुकान? क्या क्यों नहीं खाए? क्यों नहीं खाए? नहीं खाना बनाया क्या कि नहीं बनाया? झूठ मत बोलना। बनाया था, नहीं खाया। नहीं खाया? तुम लोग भी नहीं खाया खाना? काहे नहीं खाए?
गाँव में डूब गया ना 5 आदमी, खाना नहीं बना, नहीं बना। जानते हैं पूरे गांव के लोग भूखे इसलिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के नेताजी हमको आएंगे और अपने हाथों से एक निवाला रोटी खिला देंगे। लेकिन नेताजी कब आएंगे, जब रोड ही नहीं है तो नेताजी आएंगे किस मुंह से? गांव की तस्वीर, आजादी के 75 साल के बाद भी इस गांव की तस्वीर और इस गांव की तकदीर नहीं बदली है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं।